सीहोर जिले की आष्टा तहसील के ग्राम भूपोड़ में जमीनी विवाद के चलते सगे भाई ने मां के सहयोग से अपने ही भाई पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार से है कि ग्राम भूपोड़ निवासी विक्रम और मनोज दोनों सगे भाई हैं। इनका पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हाल ही में जमीन जोतने को लेकर मनोज और उसकी पत्नी हीरामणि का विवाद विक्रम से हो गया और देखते ही देखते कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। हीरामणि और मनोज में विक्रम पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में विक्रम को पहले आष्टा फिर सीहोर ले जाया गया। वहीं विक्रम की चिंताजनक हालत को देखकर उसे भोपाल रेफर किया गया है, जहां सर्जरी के बाद अब भी विक्रम की हालत गंभीर बनी हुई है। विक्रम की पत्नी ने आष्टा थाने में इस घटना की शिकायत की है, पर विक्रम के परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है और मामूली धाराओं में केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इधर आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सर ये क्या है कि खेत के ऊपर गए थे वो, उनका चल रहा ट्रैक्टर छोटा भाई का, अब वो खेत के वो बोने को ले गए तो इन्हने क्या भैया खेत को मत बो, आधा आधा बोलो और उसके बाद आधा तू बोले आधा मैं बोलूँ। तो खुद छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी और खुद की माँ ने इनको मतलब धुआं झटकी करा, और दो व्यक्ति गांव के भी हैं, सुंदर लाल और एक बाबू लाल करके, उन्होंने इनका हाथ और पाँव पकड़े और हाथ और पाँव पकड़ने के बाद उसने छोटे भाई ने चाकू निकाला और इनको दो पेट में मारे, एक पेट मारा, एक सीने पर मारे, एक पीछे मारा। और सीहोर थाने में आष्टा थाने में इनकी रिपोर्टें भी डाली, लेकिन उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मौका मायने के ऊपर गई नहीं। उसके बाद उनने थाने वालों ने क्या कर लिया, भाई यहाँ हॉस्पिटल थोड़ी है, आप थाने में ऊपर हॉस्पिटल में चलिए और वहीं इनका पहले ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद फिर वहीं मौका मायने पर हम आएंगे। तो वहाँ पर बयान वयान ले लिए, बयान लेने के बाद उन्हें टाँके वहाँ के लगा दिए, टाँके लगाने के बाद यहाँ रिफ़र कर दिए। रिफ़र करने बाद दो तीन रोज यहाँ रखे तो इनको इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टर ने बोला भाई ये इनकी गंभीर हालत, आप भोपाल ले जाइए। हमीदिया में लेते गए तो पाँच दिन वहाँ रखे, पाँच दिन में उन्हें डिस्चार्ज इनको कर दिए। वहाँ से पीछे हम घर लेके गए, इनको दर्द चालू हो गया, उल्टी होने लगी। फिर हम हमीदिया में गए, हमीदिया के डॉक्टर ने कहा कि भाई यहाँ कोई इसी कार्रवाई अब नहीं होगा, इसका इलाज उलाज ठीक है, आप केवल केस के बारे में ये नाटक कर रहे हो। साहब हम पीछे वाला दिन भर खोटी खराब, उनके आगे पीछे पाँव जोड़े, पाँव को अंदर पड़ गए, उसके बाद भी हम बाहर पड़े रहिए, नहीं हमारी कोई कार्रवाई में नहीं हुआ इलाज। फिर यहाँ ले गए, यहाँ डॉक्टर साहब से फिर मिले, तब इनको यहाँ हमने एडमिट कराया तीन चार रोज के लिए। अब क्या चाहते हो आप? अब ये चाहते हैं कि साहब इसकी कोई कार्रवाई हो, कार्रवाई बिल्कुल इसके बारे में नहीं हुई। आपका आष्टा थाना है, बिल्कुल हमारे बात के ऊपर कोई अमल नहीं कर रहे, इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं चल रहा। सीहोर से कवि छोकर की रिपोर्ट।